दोस्तों आज फिर से चलेंगे दक्षिण भारत और बात करेंगे एक बेहद ही अजीब चट्टान के बारे में, जिसके बारे में बहुत ही कम जानकारी मौजूद है इंटरनेट पे, लेकिन अब YouTube में ढेर सारे वीडियोस आएंगे हमारे इस वीडियो के बाद, क्योंकि आज हम पत्थर से जुड़े बेहद ही हैरत अंगेज पुराने ज़माने के उन्नत टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त भार्गव, और आप देख रहे हैं मिस्टर भार्गव 123 चैनल का अनदेखा सच वीडियो सीरीज। दक्षिण भारत का कर्नाटक में हायर बेनाकल नाम का एक जगह है, जहां पर आज से करीब 3000 साल पहले ऐसे लोग निवास करते थे जो पत्थर को फल काटने की तरह काट डालते थे, जिसका जीता जागता प्रमाण आज भी मौजूद है हायर बेनाकल की एक पहाड़ी पर। हर तरफ पत्थरों से भरा एक पथरीला पहाड़ी के ऊपर एक ऐसा चट्टान मौजूद है जो दिखने में आधा कटा हुआ नींबू सा प्रतीत होता है, जिसे केटले ड्रम या नागाड़ी गुंड कहा जाता है। ये कोई छोटा चट्टान नहीं है, इसका डायमीटर 2 मीटर का है। उस पहाड़ी पर गुरुत्वाकर्षण के नियमों को अवहेलना करने वाली कई बैलेंसिंग रॉक्स है, और उन पुराने इंसानों ने इनमें से एक का चयन किया होगा और उसे एक ड्रम का रूप दिया। पर सोचने वाली बात यह है कि उस पत्थर को आधे में बीचों बीच कैसे काटा होगा। इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें सऊदी अरब जाना होगा, क्योंकि ऐसा ही कटा हुआ एक पत्थर मौजूद है सऊदी अरबिया के तामिया में भी। इस पत्थर को अल नस्ला कहते हैं। इस पत्थर को बिल्कुल बीचों बीच काटा गया है। इस पत्थर का इस तरह से काटा जाना एक्सपर्ट्स को भी भ्रमित करता रहा है। इस तरह की बारीकी आजकल के प्रयोग किए जाने वाले लेजर टेक्नोलॉजी से ही आ सकता है, लेकिन हमारे पूर्वजों के पास ना जाने क्या ज्ञान था जिससे वो इस तरह पत्थरों को काट लेते थे। चलिए अब चलते हैं जापान। इस तरह के काटे हुए पत्थर का एक दुर्लभ दृश्य आपको जापान में भी मिलेगा। इन पत्थरों के टुकड़ों को देखिए, क्या आपको नहीं लग रहा है कि इस विशाल पत्थर को किसी तलवार से छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया है, ठीक वैसे ही जैसे ब्रेड को काटा जाता है। इसे याकुशिमा मेगालिथ कहा जाता है। जापान की संस्कृति में तलवारों का विशेष महत्व रहा है, और यहाँ के पौराणिक कहानियों में महामानवों का जिक्र मिलता है। तो क्या इस पत्थर को किसी ऐसे ही विशाल महामानव ने अपनी क्षमता दिखाते हेतु काटा था, या फिर इसे भी उसी पौराणिक पत्थर काटने की तकनीक द्वारा काटा गया था? रुकिए, अभी और भी ऐसे पत्थर हैं। अर्जेंटीना के कोर्डोबा प्रांत में स्थित है पंपा अछाला। यहाँ पर भी बड़े बड़े पत्थरों को काटा गया है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने एक एप्पल को काटा है, और मानो कि यहाँ पर किसी ने इन पत्थरों पर पत्थर काटने की जो पौराणिक तकनीक थी उसका अभ्यास किया था। इस तरह से पत्थरों को काटा जाना आज भी रहस्य बना हुआ है, और भारत का नगारी गुंड पत्थर भी। लेकिन इस पत्थर का रहस्य यहीं पर खत्म नहीं होता है। इसका एक और रहस्य ये है कि ये सिर्फ दिखने में ही ड्रम नहीं है, बल्कि असल में ये एक ड्रम ही है। जब इस पत्थर पर लकड़ी या चट्टान के टुकड़े से पीटा जाता है तो ये एक ध्वनि उत्पन्न करता है, जिसे कई किलोमीटर दूर से भी सुना जा सकता है। माना जाता है कि उस जमाने के लोग इसे महत्वपूर्ण घटनाओं या आक्रमणकारियों द्वारा हमलों के बारे में संकेत देने के लिए उपयोग किया करते थे। लेकिन ये पत्थर होकर भी कैसे बजता है वो एक रहस्य है। ठीक ऐसा ही बजने वाले पत्थर और भी मिले हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के दरिमा हवाई अड्डा के पास स्थित चितकली गांव में एक रहस्यमय पत्थर है। इस पत्थर को वहां के लोग थिनथिनी पत्थर कहते हैं, क्योंकि इस पत्थर को किसी ठोस चीज से ठोकने पर थिनथिन की आवाज आती है। सर्वाधिक आश्चर्य की बात यह है कि ये आवाजें विभिन्न धातुओं की आती है। इस पत्थर में बैठकर या लेटकर बजाने से भी इसके आवाज में कोई अंतर नहीं पड़ता है। एक ही पत्थर के दो हिस्से अलग अलग आवाज पैदा करते हैं। ये पत्थर करीब 5 फीट ऊंचा और 3 फीट चौड़ाई का है। इस पत्थर का रहस्य जानने कई वैज्ञानिक भी यहाँ पहुंच चुके हैं, लेकिन अब तक कुछ भी साबित नहीं कर पाए हैं। लेकिन कर्नाटक के ड्रम रूपी पत्थर पर अब तक कोई वैज्ञानिक शोध नहीं हुआ है। शोध के साथ साथ इन ऐतिहासिक महत्व के पत्थरों को संरक्षित रखने की भी जरूरत है। भले ही हम नहीं जान पाए हैं कि उस जमाने के लोगों ने इसे कैसे बनाया था।
तो दोस्तों आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। और अभी से ऐसे और भी वीडियोस आने वाले हैं, नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल को ऑन करना ना भूले। तो मैं जल्द ही लौटूंगा एक और ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।